स्वरूपी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज के संयोजन में पार्कर इंटर कॉलेज मुरादाबाद के मैदान में मंडल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 17 बालक वर्ग का आयोजन हुआ, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संबल, जनपद की टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री नरेश चौहान, पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपदीय क्रीड़ा समिति के कोषाध्यक्ष मेजर एस के नेथन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सभी अतिथि वृंद एवं खिलाड़ियों का स्वागत उदयराज सिंह, प्रधानाचार्य SDM इंटर कॉलेज मुरादाबाद ने किया। सफल आयोजन में मंडलीय क्रीड़ा सचिव वंश बहादुर, भोजराज सिंह, निशीत बीदास, सचिन चौधरी, संगीता चौधरी, वीर सिंह, राजपाल सिंह, कपिल गोस्वामी, देवव्रत यादव, राजवीर सिंह, शुभम कुमार, उवैस जहीर, ममराज सिंह, मोहम्मद सोहेल आदि का विशेष सहयोग रहा। चयनकर्ता का दायित्व नफीज अहमद खान रामपुर, मुनेन्द्र यादव अमरोहा तथा शमशाद हुसैन मुरादाबाद ने निभाया। प्रतियोगिता का पहला मैच अमरोहा और बिजनौर के बीच खेला गया, जिसमें अमरोहा जनपद 8 विकेट से विजयी रहा। पहला सेमीफाइनल मुरादाबाद और संबल के बीच खेला गया, जनपद मुरादाबाद ने 12 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल रामपुर और अमरोहा के बीच खेला गया, जिसमें अमरोहा जनपद ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला मुरादाबाद और अमरोहा जनपद के बीच खेला गया, जिसमें अमरोहा ने मुरादाबाद को 6 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में जीत दर्ज करते हुए मंडल चैंपियन बना। मंडलीय क्रीड़ा सचिव वंश बहादुर ने बताया कि मंडल स्तर पर चयनित क्रिकेट टीम अब आगरा मंडल में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। अंपायरिंग पवन त्रिवेदी, अमन शर्मा, रितेश रावत और सोनू ने की। स्कोरिंग यश शर्मा, रुद्र तथा कमेंट्री राजा तथा मोहम्मद फैजान ने की। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि प्रेमवीर सिंह, प्रबंधक स्वरूपी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज के कर कमलों के द्वारा सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंडल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 17 वर्ष बालक वर्ग की यहां पर पार्कर इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित हो रही है। यह प्रतियोगिता पहले 27 तारीख को होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाई थी, तो आज वो फिर से जो है आज 30 तारीख को आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में मंडल मुरादाबाद के 5 जनपदों की टीमें, अमरोहा, बिजनौर, संभल, रामपुर, मुरादाबाद की टीमें आई हुई हैं और सब प्रतिभाग कर रही हैं। आज यहाँ पर 10-10 ओवर के मैच खेले जा रहे हैं और इन बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए चयनकर्ता के रूप में हमारे यहाँ जो है नफीस जी रामपुर से, मुनेन्द्र यादव जी अमरोहा से और शमशाद हुसैन मुरादाबाद से 3 चयनकर्ता हैं जो इन बच्चों पे नज़र रखेंगे और एक अच्छी सी टीम यहाँ पर बनाएंगे मंडल की, जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता जो आगरा में होगी उसमें प्रतिभाग करेंगे। ये प्रतियोगिता स्वरूपी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित हो रही है और इसमें सभी शिक्षकों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज किस किस टीमों का मैच खेला जा रहा है? आज जो अभी पहला मैच चल रहा है बिजनौर और अमरोहा के बीच में खेला जा रहा है, इसमें से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जबकि बाकी की 3 टीमें, चूँकि 5 ही टीम होती हैं, 3 टीमें सेमीफाइनल में डायरेक्ट पहुँची हुई हैं बाई के थ्रू, और उनमें मैच खेले जाएंगे और फिर फाइनल शाम को आज 4 बजे से खेला जाएगा।